भिलाई नगर विधायक एवं कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने रविवार को प्रेस वार्ता लेकर विपक्षी षड्यंत्र का खुलासा करते हुए कहा कि विपक्ष के लोग उनके बढ़ते जनाधार एवं लोकप्रियता से इतना घबरा गए हैं कि कतिपय लोगों के माध्यम से मेरे चरित्र पर हमला करवाना प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने पत्रकारों को सोशल मीडिया में प्रसारित वीडियो दिखाते हुए कहा कि इसके माध्यम से मेरा चरित्र हरण करने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है, जबकि इस वीडियो से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके पूर्व भी ईडी द्वारा मेरे घर दी गई डबिस के बारे में भी गलत प्रसारित किया गया था। कुछ दिन पूर्व ईडी द्वारा हाउसिंग बोर्ड निवासी आसिम दास नामक युवक की गिरफ्तारी के समय में भी कतिपय लोगों द्वारा मेरे नाम को जोड़ने का प्रयास कर आम जनता व मतदाताओं में मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सम्मानित बंधुओं को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। मीडिया लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ और सच्चाई को सामने लाने वाला एकमात्र, हम हो या आम जनता हो, उनके लिए एकमात्र संस्था। जब देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, शहर के अंदर, मोहल्ले के बात हो, कहीं पर भी जब कोई सच्चाई सामने लाई जाती है, कोई विषय लोगों तक पहुंचाना होता है, तो मीडिया का से मदद मांगी जाती है और मीडिया के सामने लोग अपनी बात भी प्रस्तुत करते हैं और मीडिया ही जो सच्चाई है उसको लोगों तक लेके जाती है। और भिलाई की मीडिया एक ऐसी प्रबुद्ध मीडिया है जो हमेशा ही सच्चाई को आम जन तक पहुंचाई है और भिलाई का यही नेचर रहा है, भिलाई की यही खासियत रही है। मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर सभी मीडिया के साथियों को बहुत शॉर्ट नोटिस में मैंने बुलाया। बुलाने का काम कारण थोड़ा विशेष था, इसलिए मैंने कहा कि मुझे बात करनी चाहिए। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि इस पे क्या चर्चा करूँ, कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है जिस पे मुझे चर्चा करनी चाहिए। फिर देखिए, ऐसा है कि इसकी जाँच करने के लिए तो मैंने लिख दिया है, इसमें फॉरेंसिक जाँच की रिपोर्ट भी आ गई है, वो सब पक्ष में, लेकिन मानहानि किस पे करूं, कहां से ढूंढूं कि कौन आदमी ने पहला निकाला था। पुलिस के हिसाब से तो ये हैदराबाद से सबसे पहले भेजी गई थी और पुलिस की टीम ने हैदराबाद में भेजी, वहां से ये एक रिसाली के कुछ बच्चों के पास आए, कुछ ग्रुप्स में आए, और जिस नंबर से आया वो नंबर उस समय से अभी तक बंद है, वो नंबर अभी तक बंद है, वो नंबर चालू नहीं है जिस नंबर से आए, पुलिस का ये कहना। तो आइडेंटिफाई किसको करूं, किसके ऊपर मानहानि का दावा करूं। अब तो सैकड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, लोगों को डाल रहे हैं, और किससे क्या मतलब है। मानहानि का से भी इसकी कोई पूर्ति नहीं होती, लेकिन स्पष्टता और सच्चाई आनी चाहिए, और दोषी जो भी हो कम से कम उसकी जो ये कर रहे हैं वो आखिरी नंबर तक हम रीच कर जाएंगे, तब भी मैं पा कुछ नहीं पाऊंगा। सच्चाई है, मैं पा कुछ नहीं पाऊंगा, इसकी तय तक भी जाके क्या पाऊंगा। जो गंदगी या जो समाज को भिलाई के शहर इल्जाम 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 बहुत इल्जाम लगा, इल्जाम तो बहुत लगते हैं, लेकिन ये हद होगी, ये हद होगी, इसने दुख पहुंचाया मुझको। किसी भी इल्जाम से ना कभी मैं ना डरा नहीं। आप बताइए, ग्राफिक्स लगा दिए गए, पोस्टर लगा दिए गए कि अपराध रेट इतना बढ़ गया। आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, उस ग्राफिक्स पे अगर जाएंगे ना तो वो सच्चाई नहीं, लेकिन उसको ऐसा ऐसा करके ग्राफ बनाया गया कि इतने मर्डर हो गए इतने दिनों में, कि लोगों को लगता होगा कि शायद सही होगा, लेकिन मैं उसकी तरह तक भी गया हूँ, ये सच्चाई नहीं। 150 नंबर जो दिए हैं वो जितने भी हुए लेकिन उससे 5 गुना कम हुए दिखाया जा रहा है, और उसमें एक ऐसी शक्ल दिखाई जा रही है जो मुझसे मिलती जुलती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है बेहद गलत कर रही है, इस तरीके से वो मेरे व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रहार कर रही है, और जो मैं हूं ही नहीं उससे मैं क्यों डरूं। आज AI का जमाना है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, मॉर्फ वीडियो न जाने कितनी बनती है और न जाने कितनी प्रदर्शित हो जाती है, लेकिन ये ठीक है क्या। मैं आपके माध्यम से, मैं मीडिया वालों, सभी मीडिया के साथियों से मदद मांगने के लिए, आप लोगों को बोलने के लिए आज बुलाया हूँ कि भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है भिलाई की राजनीति। पहले मुझे गुंडा मवाली और
सट्टे से जोड़ा गया। जब महादेव आईडी का पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर से पकड़ाने लग गया, हमने वो विषय उठाया, तो अब एक फर्जी एमएमएस लीक इन लोगों ने किया जिसपे ये कह रहे हैं कि वो देवेंद्र है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप जितना भी कर लो, लेकिन आप मेरे सार्वजनिक जीवन के बाद आज मेरे व्यक्तिगत जीवन को भी तकलीफ में पहुंचा रहे। भाई मेरा भी तो परिवार है, मेरा भी बच्चा है, मेरी भी माँ है, मेरी भी घर पे बहने हैं, मेरी भी पत्नी है, मेरे भी भतीजे भांजे हैं, और आप इस तरीके के गंदे वीडियो शहर के अंदर प्रस्तुत करके चुनाव जीतना चाहते हो, तो जीत लो यार, रख लो चुनाव, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो करना है वो कर लो, लेकिन ये गंदगी भिलाई शहर नहीं बर्दाश्त करेगा, और मैं तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। मुझे लोगों ने कहा कि आप अपने परिवार के साथ इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, लेकिन मेरे को शर्म आ रही है कि मैं अपने परिवार को कैसे खड़ा करूं ऐसी जगह पे। अब मैं एक तमाशा बनाऊं क्या? कितना तमाशा बनाओगे मेरा? अरे बना लिए यार जितना बनाना था, ऐसा मत करो। मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, इतना नहीं करना चाहिए बीजेपी के लोगों को। लड़ सकते तो आओ ना जमीन में, लड़ो लड़ो ना जमीन में। क्या बात है, ये क्या बात है कि झूठ वीडियो दिखा के लोगों को बरगला रहे हो, गलत कर रहे हो, भगवान नहीं माफ करेगा। और मैं डरता नहीं हूं, करा लो जांच, जिससे करानी उससे करा लो, और मैंने तो जांच करा के रखी, इसलिए मैं डरता नहीं हूं। जिसको चाहिए दस्तावेज, जिसको चाहिए सबूत, मेरे पास सारे सबूत है। मैं आम मीडिया के साथियों को भी कहना चाहता हूं, कोई भी सवाल उठाए इस पे, मेरे पास इसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई हुई है, सब चीजें कराई हुई, क्योंकि मैं जानता था इन लोग इसी तरह की गंदगी करेंगे, और ये आज आपके बीच में ला रहे हैं, ये पहले से इन लोगों ने षड्यंत्र बनाया था। जिस दिन षड्यंत्र बनाया था उसी दिन मैंने शिकायत की थी, उसी दिन मैंने मेरे ऑफिस की तरफ से शिकायत की थी थाने में, और सभी चीजों को हमने किया, लेकिन अब हद हो गई यार। चुनाव लड़ो ना, चुनाव लड़ो, आओ मैदान में और पॉजिटिव बात करके चुनाव लड़ो, दम है तो, हिम्मत है तो, लेकिन ये गंदगी करके चुनाव मत लड़ो। और ये गंदगी करके जीत भी लोगे तो क्या दोगे भिलाई को? बर्बादी दोगे, गंदगी दोगे? भिलाई को बनाने की बात होगी, ऐसे गंदगी करके चुनाव जीतने की बात नहीं होगी, और मैं ऐसी गंदगी में नहीं पड़ूंगा। मैं बस आप लोगों को इतना ही कहने के लिए बुलाया था कि ये सब जो भी कर रहे हैं विपक्ष के साथी, ये गलत काम कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गंदा काम कर रहे हैं। इतना नहीं करना चाहिए, इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए, लड़ लो, सामने से लड़ो। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लड़ना चाहिए, जिसको बात करनी चाहिए, जनता कन्विंस हो सकती है आपसे, लेकिन ये तरीका बहुत ही गंदा है कि आप फेक एमएमएस बनाकर लोगों को दोगे, और फेक एमएमएस के माध्यम से आप चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करोगे। नहीं कीजिए ऐसा, और आपकी भी छवि खराब होगी। आपको लोग बहुत जिम्मेदार आदमी मानते हैं, आपको शहर भी आपकी बातों को जिम्मेदारी से समझता है, लेकिन अगर आप और आपके कार्यकर्ता इस तरीके से गंदगी पे उतरेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा साख किसी की गिर रही ना, मेरे से ज्यादा साख आपकी गिर रही, इस बात को आप याद रखें, मेरे से ज्यादा साख आपकी गिर रही। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके से मत प्रताड़ित करो भारतीय जनता पार्टी के साथियों, इस तरीके से नहीं, ये बहुत गंदगी है। और किसी में सच्चाई है, सच्चाई है तो लाओ ना सामने, प्रस्तुत करो ना, लेकिन ऐसे फेक वीडियो एमएमएस बनाकर लीक करके आप मेरी छवि को नहीं खराब कर सकते। मैं क्या हूं, मैं जानता हूं, मेरा परिवार जानता है, मेरा ईश्वर जानता है, और मेरे साथ जुड़े हुए हजारों लोग देश भर के जानते हैं, लेकिन ये गंदगी नहीं चलेगी।